हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे हम अपने आईफोन का डेटा अपने कंप्यूटर में मूव कर सकते हैं, या फिर कंप्यूटर का डेटा अपने आईफोन में फ़ोटोज़ वीडियोस शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली ये वीडियो होने वाली है कि हम अपने आईफोन से विंडोज़ लैपटॉप या पीसी में अपनी फ़ोटोज़ वगैरह कैसे ट्रांसफ़र करें, कि अगर हमारी आईफोन की स्टोरेज ऑलमोस्ट फुल हो रखी है। तो जैसे कि गाइज आप देख सकते हो, ये है मेरा आईफोन 7 जो कि 128GB वाला 15.4.1 के ऊपर रन कर रहा है, और सामने पड़ा है मेरा विंडोज़ पीसी। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे मैं अपने आईफोन से अपने कंप्यूटर में अपना सारा डेटा शिफ्ट करता हूँ। तो चलो गाइज, अभी थोड़ी देर बाद में आपको जो है मेरी विंडोज़, हो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर गाइज, यहाँ पर मेरी जो स्क्रीन में आपको दिख रहा है, आपको सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र पर जाना है विंडोज़ में अपना डेटा शिफ्ट करने के लिए, और यहाँ पर सर्च करना है 3U टूल। जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपको वेबसाइट ओपन करनी है, आपको इस वेबसाइट के ऊपर जाना है, और गाइज ये जो टूल है आपको ये डाउनलोड कर लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं 119MB का ये सॉफ्टवेयर है, और डाउनलोड बटन के ऊपर क्लिक करो, और इसे इंस्टॉल करते वक्त आपको अपने कंप्यूटर का वाईफाई ऑन रखना है, ये ज़रूरी है। जैसे ही आप इसे इंस्टॉल कर लेते हो, आपको जो है ये सॉफ्टवेयर ओपन करना है। आप देख सकते हैं ये रहा हमारा सॉफ्टवेयर, और गाइज वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर्स है आईफोन में कोई भी अपना प्रोसेस करने के लिए। सो अब आपको क्या करना है गाइज, अगर आपका फ़ोन आपको फ़ोन जो है अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने किया अपना फ़ोन कनेक्ट, और मैंने जो है अपना फ़ोन अनलॉक करना है। यहाँ पर मेरा जो फ़ोन है ट्रस्ट और डाउन ट्रस्ट की ऑप्शन दिखाएगा, आपको ट्रस्ट के ऊपर क्लिक करना है, और फिर गाइज आपको अपने फ़ोन का, अगर आपने पासकोड कोई रख रखा है तो आपको पासकोड सेट करना है। सो अब यहाँ पर मेरा जो फ़ोन है वो ओवरऑल सारा का सारा जो है शो हो गया है, कि क्या इसकी स्टोरेज स्पेक्स हैं, कितनी इसकी बैटरी हेल्थ है, क्या इसका सिस्टम है। और गाइज आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा आईफोन 7 128GB वाला वेरिएंट जेट ब्लैक। और अब हम करते हैं कुछ फ़ोटोज़ ट्रांसफ़र आईफोन से कंप्यूटर में। जैसे कि गाइज आप देख सकते हो यहाँ पर अगर मैं कुछ फ़ोटोज़ ट्रांसफ़र करना चाहूँ, तो मैं पहले सबसे पहले फ़ोटोज़ ओपन कर लूँ कि वो कौन कौन सी फ़ोटोज़ हैं, और अब मुझे जो है जो भी मुझे, अगर मुझे सारी की सारी फ़ोटो सेलेक्ट करनी है तो मैं यहाँ पर ऑल सेलेक्ट कर लूँगा और एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक कर दूँगा। लेकिन मैं यहाँ पर जस्ट आपको एक रिव्यू दिखा रहा हूँ कि कैसे आप कर सकते हैं। सो मैं सारी की सारी फ़ोटोज़ नहीं करने वाला। सो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे कुछ ये ही फ़ोटोज़ करनी है। सो मैं इन फ़ोटोज़ को सिलेक्ट करके एक्सपोर्ट बटन के ऊपर क्लिक करूँगा, और कहाँ भी आपको सेव करनी है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी स्टोरेज। सो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर मैं, अगर आपको कोई भी फोल्डर सेट करना है कि आप न्यू फोल्डर में क्रिएट करके आप जो है अपना यहाँ पर बेसिकली फ़ोटोज़ को मूव कर सकते हो। सो यहाँ पर मैंने एक नया फोल्डर क्रिएट किया है, और ओके के ऊपर क्लिक कर देना है नए फोल्डर को सिलेक्ट करके। सो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरी जो है ये फ़ोटोज़ जो जितने मैंने की हैं वो एक्सपोर्ट हो चुकी हैं। तो जैसे कि मैं आपको दिखाऊं कि वो फ़ोटोज़ हुई आई कि नहीं आई, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इस फोल्डर में अपना जो है एक न्यू फोल्डर क्रिएट किया था, और ये रही मेरी जो 6-7 फ़ोटोज़ जो मैंने एक्सपोर्ट की हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे जो है ये सारी की सारी फ़ोटोज़ वही हैं जो मैंने अपने फ़ोन में से एक्सपोर्ट की हैं। और ज़रूरी नहीं है कि गाइज आपको यहाँ पर अपने फ़ोन जो फ़ोटोज़ ही हैं वही करनी है, आप म्यूज़िक भी इस टूल से इंपोर्ट कर सकते हो, आप वीडियोस भी इंपोर्ट कर सकते हो, वीडियोस एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। बेसिकली यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो डेटा होता है वो ज़्यादातर फोटोज़ वीडियोस ही होती हैं, या फिर कुछ फाइल्स का डेटा होता है। फाइल्स, अगर आप फाइल्स ऐप का डेटा एक्सेस करना चाहते हो, तो आप यहाँ पर नीचे जो फाइल सेक्शन है, आप इस सेक्शन से आप अपना डेटा कोई भी मूव या ट्रांसफ़र कर सकते हो। सो गाइज बहुत ही बेहतरीन टूल है, आपको इसे ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपके पास आईफोन है तो इसे इंस्टॉल करके ही रखो, काफ़ी काम का काफ़ी हेल्पफुल टूल है। आई होप गाइज आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आई होगी, आपको ये जो टूल है फ्री सॉफ्टवेयर है जो कि इतना बढ़िया काम दे रहा है, और आपको ये जो टूल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल भी थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक यू।